हेलो बच्चों, चलो बेटा आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर जिसका नाम है लेक्चर नंबर 3। थर्ड लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए आज। तो पहले लेक्चर में बेटा हमने पहला आर्टिकल पढ़ लिया था कि जो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, भौतिक विज्ञान का परिचय हमने पढ़ लिया था। ठीक, अब इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे बेटा भौतिक राशियाँ। इस वाले आर्टिकल में हमें पढ़नी है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो बड़ी सरल सी बात है, बहुत आम सी साधारण सी बहुत बात है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। कुछ नहीं होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देखो जैसे अपन बेटा फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं पढ़ते। फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? जो बातचीत हम करते हैं फिजिक्स में, जो पढ़ते हैं जिन चीज़ों को, कुछ चीज़ें जो भौतिक विज्ञान की हमारी प्रकृति के नियमों को समझाने हमारी सहायता करती हैं। केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, केल्विन, उन्होंने कहा था फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें मेजरमेंट्स होते हैं, जिसमें मेजरमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें नाप तोल की जाती है, मेजरमेंट्स मापन किया जाता है। तो अगर हम भौतिक विज्ञान में बात करें बेटा, तो भौतिक विज्ञान में सपोज हमने कहा कि भाई एक व्यक्ति, ये राम एक व्यक्ति है, ये श्याम से तेज भाग रहा है। मैंने कहा राम श्याम से तेज भाग रहा है, तो सवाल उठता है कितना तेज भाग रहा है भाई? इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा ना। ये राम श्याम से तेज भाग रहा है, ये बात मैंने आपको बताई, तो इस बात की पुष्टि कैसे करें हम, इस बात को सिद्ध कैसे करें? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इनकी रफ्तार नापनी पड़ेगी, मुझे इनकी रफ्तार नापनी पड़ेगी, तब मैं आपको बताऊंगा, तब आप समझ जाओगे। हाँ सर, अब समझ में आया। तो जैसे मैंने कहा राम दौड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, श्याम दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मैंने कहा देखो बेटा इसकी रफ्तार इससे ज्यादा है, ये तेज दौड़ रहा है। तो कैसे पता चला? ये मापन करना पड़ा। किसका मापन करना पड़ा? रफ्तार का, चाल का। अब मान लो राम और श्याम दोनों बराबर के लड़के थे, एक जैसे थे, वजन वजन सब बराबर था, इसको भी 1 सेकंड में जबरदस्ती रोक लिया गया, मान लो इसको 10 सेकंड में जबरदस्ती रोक दिया गया, इसको भी 10 सेकंड में जबरदस्ती रोक दिया गया। तो आपसे पूछे कि भाई समय, आपको ये बात बताने के लिए समय नापना पड़ा कि कितनी देर में रोका, तो समय का आ गया। ऐसे ही आप देखो कि किसको रोकने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी होगी। तो आप कहोगे सर अगर दोनों लड़के एक जैसे हैं, बराबर वजन है, एक जैसे हैं लगभग, और ये 10 से दौड़ रहा है, ये 20 से दौड़ रहा है, दोनों को 10 सेकंड में रोक दिया हमने, तो जाहिर सी बात है हमें राम पे ज़्यादा हमने बल लगाया होगा। ठीक है, तो देखो वापस से उस बात को बताने के लिए हमें फिर किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, बल। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में आप जब भी बातें हम करते हैं बेटा, भौतिक विज्ञान में तो हम कैसी बातें करते हैं? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, संवेग, आवेग, त्वरण, इस तरह की चीजें इनका सहारा लेते हैं। भौतिक विज्ञान में किसी भी बात को समझाने के लिए हम इन इन नामों का सहारा लेते हैं। आप देखो तापमान, वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश, बोलो लेते हैं लेते हैं। तो बस इन्हीं राशियों को बच्चों हम बोलते हैं भौतिक राशियां। इन्हीं राशियों को हम क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक राशियां। ठीक है, और इन भौतिक राशियों को क्या करते हैं बेटा? हम मापते हैं। भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? इन भौतिक राशियों को मापते हैं, इन भौतिक राशियों का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं।
इन भौतिक राशियों का। तो हम कह सकते हैं बेटा भौतिक राशियों की अगर कोई पूछे परिभाषा क्या है, तो भौतिक राशियों की परिभाषा होती है कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सके, वे राशियां जिनका मापन किया जा सके तथा वे भौतिक विज्ञान के नियमों को समझने में हमारी सहायता करती हों वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जो भौतिक विज्ञान को समझने में हमारी सहायता कर दी हों और जिनका हम किसी न किसी तरीके से मापन कर सके, मेजरमेंट कर सके, नाप तोल कर सके, तो वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं बेटा? भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मास। जैसे लंबाई, जैसे समय, जैसे त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बल को बोलते हैं फोर्स। कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी। अब ऐसी तमाम आप अनगिनत लिखती चलो, कितने भी लिखते चलो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सभी राशियां बेटा क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। इनकी खास बात क्या होती है कि इन सबका मापन किया जा सकता है, इन सबका मेजरमेंट किया जा सकता है और ये भौतिक विज्ञान को समझने में हमारी सहायता करती है। भौतिक विज्ञान को समझने में क्या करती है? हमारी सहायता करती है। ठीक, चलो भाई जो भी बोर्ड पे लिखा है इसको फटाफट से नोट करो। उनका मापन किया जा सके, ठीक है। अब बात आती है सर मापन कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो आपको मैं बताऊं बेटा, मापन में हम सिर्फ तुलना करते हैं। मापन में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, ठीक है। मापन में हम तुलना करते हैं, जैसे अगर हम बात करें बेटा, मापन करने से पहले हम देख लेते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हम बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। थोड़ा थोड़ा बच्चों हम हिंदी के साथ साथ धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आहिस्ते आहिस्ते हम हिंदी से इंग्लिश के वर्ड्स को भी यूज़ करते हुए चलेंगे, दोनों तरीके से, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है ना बेटा आपकी, वो उसके लिए हिंदी मीडियम नहीं है। आगे आप कल को डॉक्टर बनोगे, MBBS करोगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, आप इंजीनियरिंग करोगे, किसी IIT कॉलेज से आप BTech करोगे, तो वहाँ पे आपको हिंदी की किताब थोड़ी पढ़ने को मिलेंगी, आपको इंग्लिश की किताबें पढ़ने को मिलेंगी। इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अपने को दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन क्या करें, सिस्टम ऐसा है कि जो किताबें जितनी भी हैं हायर स्टडीज़ में, उच्च शिक्षा प्रणाली में जितनी भी किताबें हैं, वो सब इंग्लिश में हैं। तो इसलिए हम हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही है, हिंदी तो हम पढ़ेंगे, साथ साथ इंग्लिश का भी ज्ञान लेते चलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां
के प्रकार, है ना, भौतिक राशियों के प्रकार। तो मूल रूप से दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं बेटा। पहली मूल राशियां, जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल, और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, ठीक है, मूल राशियां, या फिर आपको मिलेगा लिखा हुआ आधारभूत राशियां, आपको लिखा हुआ मिलेगा आधारभूत राशियां। एक तो ये राशियां होती हैं, और दूसरी राशियां होती हैं व्युत्पन्न राशियां। दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखो इनमें फर्क क्या है। मूल राशियां वे राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां वे राशियां कहलाती हैं बेटा, जिनको परिभाषित करने के लिए, जिनके बारे में बातचीत करने के लिए, या जिन राशियों को इस्तेमाल करने के लिए, या फिर जिन राशियों को जब हम पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई करने के लिए, हमें दूसरी किसी राशि की ज़रूरत ना पड़े। मतलब ऐसा ना हो कि मुझे अगर ये भौतिक राशि पढ़नी है, इसके बारे में पढ़ना है, तो मुझे किसी दूसरे का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, किसी दूसरी भौतिक राशि का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। केवल उस भौतिक राशि के बारे में ही हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, द्रव्यमान हुआ, तो द्रव्यमान को समझने के लिए आपको किसी दूसरी भौतिक राशि की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कसम से। लंबाई, आपको किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत है ही नहीं कि भैया आगरा और मथुरा में कितनी दूरी है, इतनी है। अब ऐसे थोड़ी है कि वो दूरी समय के साथ बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। दूरी तो जितनी है आगरा मथुरा के बीच की उतनी है, वो इस बात पे तो निर्भर नहीं करती कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, हमारा द्रव्यमान कितना है, गाड़ी जो चल रही है उसका द्रव्यमान कितना है, गाड़ी कितनी तेज चल रही है, गाड़ी कितनी धीरे चल रही है, गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी पंचर हो गई। तो आगरा मथुरा की जो दूरी है वो तो लंबाई तो दूसरी राशि पर निर्भर कर ही नहीं रही है। समय, समय किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता, बताओ समय निर्भर करता हो तो। भाई समय तो कभी किसी के लिए रुकता ही नहीं, समय तो किसी पर निर्भर करता ही नहीं। तो वे राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए, जिनका अध्ययन करने के लिए हमें अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता ना पड़े, उन राशियों को हम क्या कहते हैं बेटा, मूल राशियां। जिनका अध्ययन करने के लिए हमें, जिनका अध्ययन करने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता ना पड़े ना पड़े ऐसी राशियों को, ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं, ऐसी राशियों को मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो ये राशियां किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मूल राशियां या फिर आधारभूत राशियां। व्युत्पन्न राशियां, आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी राशियों को हम बोलते हैं बेटा व्युत्पन्न राशियां।
डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए या फिर जिनका अध्ययन करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो ना, इसमें परेशान मत होना प्यारे बच्चों कि सर इसमें तो लिखा था अध्ययन करने के लिए, इसमें लिख रहे हो परिभाषित करने के लिए, एक ही बात है। ऐसी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए, जिनको परिभाषित करने के लिए, ऐसी राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़े, अन्य राशियों की आवश्यकता पड़े उन राशियों को, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मैं बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण दे दूं बच्चों तुम्हें, बहुत ही ऐसा मतलब क्यूट सा उदाहरण, मेरे मस्त एकदम। देखो क्या उदाहरण है, मैंने कहा आपसे किसी व्यक्ति की चाल बताई मैंने, मैंने भाई फलाने फलाने जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो मैंने क्या बताया, मैंने रफ्तार अगर मुझे किसी की बतानी है तो मैंने क्या बताया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर कोई आदमी एक घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ेगा भाई साहब, तो उसकी रफ्तार कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे रफ्तार बताने के लिए, तो मुझे रफ्तार बताने के लिए समय और लंबाई दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं रफ्तार बता पाऊंगा। क्यों जी? अरे खुद ही बताओ, तुम कहते हो अरे भाई साहब ट्रेन तो बहुत तेज चल रही है भाई साहब, तो कैसे पता चला चल रही है, अरे जान तो एक घंटा में 200 किलोमीटर दौड़ गई, तभी तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया कितने समय में कितना चला। आप कहोगे कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी से तेज चल रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा कि देख भाई तेज इसलिए चल रहा है, तूने एक घंटे में 10 किलोमीटर चला और तू एक घंटे में 50 किलोमीटर चला। तो जब भी आपको रफ्तार बताने की आवश्यकता पड़ी, समझाने की आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में बात करने की जरूरत पड़ी, तो आपने किन किन बातों का सहारा लिया, लंबाई और समय। आपने कहा भाई आप इतने समय में इतनी लंबाई या इतनी दूरी चले हैं तो इसलिए आपकी रफ्तार इतनी है ना? तो जिन राशियों को परिभाषित करने के लिए हमें अन्य राशियों की आवश्यकता पड़े उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले लो चाल, ये छोटा पड़ गया बोर्ड इसलिए लिख नहीं रहा मैं, हाँ रूठ मत जाना यमार साहब लिख ही ना रहे, हाँ तो चाल वेग संवेग उदाहरण लिख लेना इसके, यहाँ पे उदाहरण लिख लेना भाई साहब, कसम है तुम्हें ध्यान रखना, आप ये मत पूछना किसकी कसम दे रहा हूँ मैं, आप खुद ही सोच लेना, बस वो ही कसम है बस, हाँ पक्की बात बता रहा हूँ मैं। तो उदाहरण लिख लेना इसके, चाल वेग संवेग बल कार्य ऊर्जा पूर्जा सॉरी ऊर्जा दाब आवेश घनत्व विभव विभवांतर, जो तुम्हारा मन करे इनको छोड़ के, ठीक है, त्वरण वरण सब कुछ फटाफट से नोट कर लो बेटा, जो पढ़ाया फटाफट से नोट कर लो, राजा बच्चों की तरह चंदा मामा दूर के परी चमरिया फूल के, आप खाएं थाली में हमें खिलाएं प्याली में, प्याली गई फूट मुन्ना गया रूट, नई प्याली लाएंगे मुन्ने को मनाएंगे। चलो भैया, तो भौतिक राशि पता पड़ गई अपने को, क्या पता पड़ गई, भौतिक विज्ञान को समझने के काम आती है भौतिक राशियां, दो तरह की होती है भौतिक राशियां, एक जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं और एक जिन औरों पर निर्भर करती हैं, है ना, एक जो किसी पर निर्भर नहीं करती और एक जो दूसरों पर निर्भर करती है, ठीक है ना भाई साहब। चलो अब अगली चीज के बाद ये बताई थी कि भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, तो मार साहब ये बताओ कि मापन कैसे किया जाएगा,
तो मैं बता दूं लालाओ, मापन, मापन को कहते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट, मेजरमेंट मापन। तो अपन देखते हैं कि कैसे करके मापन किया जाता है। तो भाई साहब मापन कैसे करते हैं ये देखना पड़ेगा अपने को, है ना। मापन, मापन मीन्स मेजरमेंट। अच्छा, मापन कैसे करते हैं। तो चलो आओ अपनी आम जिंदगी में आ जाते हैं, अपनी रोजमर्रा की दैनिक दिनचर्या में आ जाते हैं, ठीक है। चलो हाँ भाई, राम कुमार की बात करते हैं। राम कुमार हाजिर हो, राम कुमार के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चा, किसी ने कहा भाई राजकुमार की लंबाई बताओ, तो राजकुमार की लंबाई बताई गई 6 फुट। राजकुमार का वजन बताओ 70 किलोग्राम। राजकुमार ने, राजकुमार भर्ती देखने गया हुआ है, राजकुमार भर्ती देखने गया हुआ है तो नपाई हो रही है, 6 फुट का है 70 किलो वजन है, है? राजकुमार की रफ्तार बताओ कितनी तेज दौड़ा जी भैया। तो रफ्तार बताई कि साहब जी 1 घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ो है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर लंबा पड़ोगे जी, तो है रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है नहीं। अच्छा राजकुमार की उम्र बताओ, उम्र हो गई साहब राजकुमार की के साहब 20 वर्ष को है, 20 इयर्स है ना, समझ रहे हो बात। बात देखो सुनो, कांटे की बात है, बात को ध्यान से समझिए लाला, ठीक है। देखो अब जी हमने क्या किया है, जी क्या किया है, जी हमने मापन किया है, मेजरमेंट किया है, नाप तोल हुई है भाई साहब, नाप तोल, नाप तोल तो ही है ये। इधर क्या लिख रहा है, भौतिक राशियां, क्योंकि जिनका नाप तोल की जाती है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, है कि नहीं, जिनकी नाप तोल की जाती है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। तो यहां पे तो हो गया भैया भौतिक राशियां, ये तो है ही लाला भौतिक राशियां, ये तो भौतिक राशियां हो गई। और यहां पे क्या है, है? और यहां पे लाला इनको मापन, मेजरमेंट, यहां पे क्या है इनका, मेजरमेंट। तो भाई मेजरमेंट यहां पे जो हुआ है, ये 4 भौतिक राशियों को नापा हमने, तो देखो इस मेजरमेंट में कोई एक समानता ढूंढो तुम, इसमें समानता क्या है, क्या समानता है। मैं जैसे खोल के लिख दे रहा हूँ, मैं जाए फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगी। 6 × 1 फुट, 70 × 1 किलोग्राम, 10 × 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 वर्ष, 20 × 1 साल। मैं बेटा ऐसे लिख दिया इसको, तो इसमें तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बात तो एक ही है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अब जब देखो ने क्या व्यवस्था है, बात एक ही है ना। अब तुम्हें जो करना है वो ये करना है कि इसमें तुम्हें समानता देखनी है कि चारों जो हमने नापतोल करी है, इन चारों नापतोल में एक खास, मतलब एक जैसी बात कौन सी है, एक जैसी बात कौन सी है। सोचो 1 मिनट का समय है और सोचो तुम उसमें इस बात को ढंग से, सोच लियो, सोचो 1 मिनट पूरा दे रहा हूं।
देखो साहब, इसमें क्या है कि कोई भी मेजरमेंट आप कर लो, मैंने तो खैर भाई चार का उदाहरण लिया है, तुम्हारी राजी आवे 50 के उदाहरण ले लो। जब बल की बात करोगे तो 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, जितने न्यूटन, त्वरण की बात करोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कुछ कोई सी भौतिक राशि ले लेना आप, ठीक है। अब इसमें समानता देखो आप, समानता क्या है, दोनों में एक तो आंकिक मान है, एक तो क्या है आंकिक मान, एक तो आंकिक मान है और एक यहां पे कुछ और लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं मात्रक, है ना। एक तो आंकिक मान है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक है मात्रक यूनिट। तो कोई भी मेजरमेंट आप देखोगे बालकों, तो कोई भी मान लो मैंने मेजरमेंट को लिख दिया क्यू से, तो कोई भी मेजरमेंट आपको दो चीजों से मिलकर बना मिलेगा, आंकिक मान गुणा मात्रक, आंकिक मान गुणा मात्रक, ऐसे देखो आंकिक मान आंकिक मान आंकिक मान आंकिक मान मात्रक 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 मात्रक, समझ गए। तो जब भी आप मेजरमेंट करोगे बालकों, तो हमेशा आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक आंकिक मान और एक मात्रक, एक आंकिक मान और एक मात्रक की आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों। अच्छा, तो साहब जी मापन मतलब होता कैसे, मतलब ऐसा ऐसा कैसे किया गया, तो मैं तुम्हें बताऊं बेटा। मान लो मैंने कही कि भाई इस बोर्ड की लंबाई 6 फुट है ना, मान लो इस बोर्ड की लंबाई 6 फुट है, तो मापन का मतलब क्या होता है। मापन में हमेशा क्या की जाती है, तुलना, मापन में हमेशा क्या की जाती है, तुलना करी जाती है। किससे तुलना करी जाती है कि भाई अब मुझे लंबाई नापनी है, तो मैंने लंबाई का ही एक मान, तो मैंने क्या किया लंबाई का ही एक मान वो मान लिया स्टैंडर्ड, लंबाई का ही मान क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड मान लिया, है ना। तो मैंने लंबाई का एक मान स्टैंडर्ड मान लिया, मुझे लंबाई नापनी है तो लंबाई का ही कोई मान को मैंने मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, मानक मान लिया। तो मैंने 1 फुट को मानक मान लिया, भाई 1 फुट ये मानक। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 1 फुट से इसकी तुलना करूंगा, अब मैं इसकी 1 फुट से तुलना करूंगा। तो जब मैंने 1 फुट से इसकी तुलना करी तो मुझे पता चला कि ये 1 फुट से 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा नहीं है, मतलब 1 फुट का 6 गुना है, 6 गुना ज्यादा और 6 गुना होना ये दो अलग अलग बातें हैं। इस पर भी फोकस समझ में आ जाए तो बहुत राधे, जैसी राधे बोलो, और नहीं आए तो कोई बात नहीं है। अब सुन लो तुम, अब 6 गुना ज्यादा का मतलब 1 फुट में 6 गुना ज्यादा मतलब 1+6, और 1 फुट का 6 गुना मतलब 1×6, ठीक है। अब बस इतनी बात है, अभी समझ जाओ बस जी इन्हीं बातों में। तो देखो बेटा आगे, हाँ, तो जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक तो आंकिक मान और एक मात्रक। तो मात्रक क्या है कि जब भी मुझे कोई भौतिक राशि नापनी है, जैसे मुझे लंबाई नापनी है, तो मैंने क्या किया कि लंबाई का ही एक मान मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया, मतलब उसी को नेता मान लिया, अरे भाई साहब तू ही, अब तेरे हिसाब से चलेगी चीज़ें। तो हम किसी को कोई भी फैसला या कोई भी काम किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के हिसाब से या किसी भी उसके हिसाब से करते हैं ना, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड, उसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं, मानक बोलते हैं। तो हमने क्या किया, लंबाई का ही एक मान, कोई मान को लंबाई की कोई एक वैल्यू हमने मानक मान ली, तो हमने 1 फुट को मानक मान लिया और देखा कि ये जो मापन है, ये जो लंबाई है 1 फुट की तुलना में कितनी है, तो हमने देखा 1 फुट की तुलना में 6 फुट है। तो जैसे हमने राम कुमार की देखी लंबाई, कि भाई राम कुमार की लंबाई देखी तो और 1 फुट की से तुलना करी, तो 1 फुट से तुलना करी तो राम कुमार की लंबाई कितनी थी 1 फुट की तुलना में, 6 गुना। तो हमने क्या लिख दिया 6×1 फुट, यानी कि 1 फुट की 6 गुना, 1 फुट की 6 गुना, तो जी हो गया मापन। राम कुमार का वजन कितना था, 1 किलोग्राम का 70 गुना, 1 किलोग्राम के बांटते, बाकी वो हमने कर ली तुलना कर ली 1 किलोग्राम के बांटते, 1 किलोग्राम की तुलना में कितना भैया 70, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की 10 गुना, 1 वर्ष की 20 गुना, यानी 20 वर्ष रह गई, मतलब 1 वर्ष से तुलना करी तो 1 वर्ष कितनी बार आ गई 20 बार, है ना। तो ऐसे करके बेटा मापन होता है, और मापन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है मात्रक की, मापन में किसकी जरूरत पड़ती है मात्रक की। और मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को
मापने के लिए, नापने के लिए उसी भौतिक राशि के किसी मान को मानक मान लेते हैं, उस मानक मान लेते हैं जिससे तुलना करके उस भौतिक राशि का मापन किया जाता है। तो वो जो हम मानक मानते हैं उस मानक को हम मात्रक कहते हैं, उस मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक। फटाफट से स्क्रीन पॉज कर ले हो और इसको नोट कर ले हो, फिर मैं मात्रक की परिभाषा बताता हूँ। देखो साहब, देखो भाई साहब, मात्रक अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनिट। तो कैसे कैसे भैया मात्रक की परिभाषा लिखी जाएगी, देखो लालाओ। किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी भौतिक राशि का कुछ मान को, उसी भौतिक राशि के, गलत हो गया गाना, कि कुछ मान को मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी भौतिक राशि के कुछ मान को मानक मान लेते हैं जिससे तुलना करके हम भौतिक राशि का, जिससे तुलना करके हम भौतिक राशि का मापन करते हैं। ठीक है, मापन करते हैं। तो उस मानक मान को ही भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। समझ में आई, मात्रक कहा जाता है। चलो भाई साहब, अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई निर्भरता के आधार पे हम बात कर रहे हैं, हम है ना, जैसे हमने भौतिक राशि हमने निर्भरता के आधार पे बताई थी, कितने प्रकार की होती हैं, दो, निर्भरता के आधार पे, एक जो निर्भर करती है एक जो नहीं करती। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़नी है, ठीक है। तो निर्भरता के आधार पर ऐसे ही मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई साहब? मूल मात्रक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स, ओ क्वांटिटीज नहीं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो बड़ी साधारण सी बात है भाई साहब, बड़ी सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ। मूल मात्रक कौन से होते हैं? मूल राशियों के मात्रकों को
मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। उदाहरण, लंबाई का मात्रक, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, है ना। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, कुंटल हो गया, जैसे सेकंड हो गया, ठीक है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। यानी कि मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। और बेटा जगह नहीं है तो इसलिए व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा बोल रहा हूं, उसको लिख लेना, ठीक है। लिखना, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब जैसे व्युत्पन्न राशियां हो गई हमारी कौन सी, चाल। तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। बल व्युत्पन्न राशि है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। समझ में आई है, चलो फटाफट नोट कर लो इसको बढ़िया से, जोरदारी से नोट कर लो। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ है ना। अब अगली जो है ना, अगली कहानी एक शुरू होगी, मात्रकों से ही आगे कहानी शुरू होगी कि अब कैसे कैसे हम चीज़, कहानी का अगला मोड़ आने वाला है। तो मोड़ आने से पहले इस मोड़ पे हमने आज का लेक्चर ख़त्म कर दिया। अब जहाँ से मोड़ होने के बाद अब उस मोड़ से गुजरते हुए अगले लेक्चर में चलेंगे। दूसरा बच्चों, हमारी ये पूरी कोशिश रहती है बलूनी क्लासेस की कि आज के समय में बड़ा चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय हमारा बेटा चल रहा है कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। ये कोविड महामारी, ये पता नहीं कैसी बीमारी, कैसी किस्मत हमारी, किसने कर दिए बहुत ढंग से छापे मारी, है ना। बस टूटनी नहीं चाहिए हिम्मत तुम्हारी। तो इसीलिए बेटा जी ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बोर हो जाता है, सूखा सूखा पढ़ाते रहो उसको तो भाई साहब पस्त हो जाए, नींद आ जाएगी। तो इसलिए बच्चों हम लोग थोड़े बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हंस जाएँ, शायद उनको नींद आ रही हो तो नींद ना आए, तो ये एकमात्र हमारी कोशिश है बेटा। इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं इसमें ऑनलाइन में। कठिन समय आपके लिए भी, हमारे लिए भी, लेकिन विजेता वही है जो इस चुनौती को फाड़ के आगे निकलेगा, समझ रहे हो। ऐसी कोई चुनौती नहीं जो हमें रोक सके। जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है कि कोई भी चुनौती तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वास्तव में कोई चुनौती तुम्हारा कभी जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, फाड़ के रख देंगे हर चीज़ को, एकदम सिंघम की तरह बढ़ते चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ रहे हो, नींद आ जाए, सो जाओ, घंटा भर उठाओ, फिर पढ़वे लग जाओ, ठीक है बेटा। तो हम लोग ऐसे, मैं कोशिश करता हूँ भाई मेरे बच्चों को थोड़ा सा चीज़ समझ में आए। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने लेक्चर को, मैं आपको फिजिक्स को इतनी सरल भाषा में आपको समझा दूँ कि आपको लगे ही ना कि फिजिक्स बहुत टफ है। लेकिन वो ध्यान रखना, मेरी बात को भूल मत जाना, वो हाई स्कूल तक की गणित आनी चाहिए। तो बच्चों बढ़िया से मेहनत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरी बलूनी क्लासेस तिनका तिनका तुम्हारे साथ है। बढ़िया से मेहनत करना, हिम्मत मत हारना बच्चों, ठीक है। बस अपने गुरुजियों का हाथ पकड़ के बस चलना, जैसे ले जाए आंख बंद करके चलते रहो, हिम्मत मत हारना। विजेता वही है जो लगातार चलता रहेगा, नहीं तो फिर हार भी गए तो बेटा पूरी दुनिया बैठी है दोष देने के लिए, तो पूरी दुनिया बैठी है कि साहब ये हो गया इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। अरे हम तो विजेता हैं,
हम तो विजेता हैं, हम करेंगे। डरने वाली दुनिया डरती है कि ये हो गया कोरोना, आप तो भाई साहब घर में बैठ जाओ, नींद आ रही है, ये परेशानी हो रही है। नहीं, हम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और दुनिया की ताकत हमें कोई नहीं रोक सकती। अगर तुम मन में बेटा ढंग से ठान लो ना, तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये ध्यान रखना भाई साहब। ठीक है, सुपरस्टार हो तुम सब। ठीक है, तो पूरी ताकत के साथ बच्चों लगे रहो, ठीक है, मेहनत करो। राधे राधे, जय हिंद।